फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं जैकोबियन। फ्रेंड्स, जैकोबियन क्या होता है, पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ यू एंड वी आर टू इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन of variables x and y, then determinant del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये डिटरमिनेंट जो होता है, इस डिटरमिनेंट को इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो फिर इस तरह से जैकोबियन निकालते हैं। इफ यू एंड वी आर टू इंडिपेंडेंट फंक्शन, कोई दो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, यानी एक फंक्शन को दूसरे के किसी गुणांक के रूप में या किसी मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उस कंडीशन में ऑफ वेरिएबल जो है एक्स एंड वाई, देन डिटरमिनेंट डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ यू एंड वी, जो यू एंड वी जो थे इनके यू एंड वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट जैकोबियन निकाल सकते हैं, ये जो डिटरमिनेंट जो आएगा वो जैकोबियन होगा। फिर से अगर सपोज हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू तीन फंक्शन है और यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड तीन वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड एंड डब्ल्यू है तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। फ्रेंड्स, अगर तीन वेरिएबल है हमारे पास, तीन वेरिएबल है, सो तीन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तीन वेरिएबल है, तो उस केस में हम जैकोबियन इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैकोबियन निकालने के लिए वेरिएबल और जो फंक्शन है वो इक्वल होने चाहिए। फ्रेंड्स, जैकोबियन तभी निकाल सकते हैं जब वेरिएबल और फंक्शन उसके इक्वल हो। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स, इफ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी आर एंड एस एंड यू और वी कोई फंक्शन है आर एंड एस के, एंड आर एंड एस आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो यू और वी फंक्शन है आर एंड एस के, और आर और एन जो एस फंक्शन है वो है एक्स एंड वाई के, देन उस केस में अगर हम जैकोबियन निकालें डेल यू वी, जिसको जैकोबियन जो हमने पढ़ा था उसको डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई जो होता है, इसका मतलब होता है जो हमने पहले पढ़ा था मैं उसका मतलब बता रहा हूं आपको, ये यू वी का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई हम इस तरह से भी शो करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो इस तरह से भी जैकोबियन को हम शो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि अगर ये हमारे पास है तो उस केस में
डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर डेल यू वी अपॉन डेल आर एस डॉट डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, यानी कि यूवी का जैकोबियन है आर एस की करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई बाई आर और एस का जैकोबियन है एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग, तो उस कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट जो होगा वो डेल जो यू और वी का जो जैकोबियन होगा एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग इस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसको प्रूव करते हैं। ऐसा प्रूव करने के लिए फ्रेंड्स पहले डेल यू अपॉन ये देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं हम, तो अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना हो मैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स या इसको हम देखो कहीं ना तो डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डेल यू वी डेल यू वी अपॉन डेल आर एस बराबर लिख सकते हैं इसको हम डेल यू अपॉन डेल आर डेल बी अपॉन डेल आर सो डेल यू अपॉन डेल एस और इसको डेल बी अपॉन डेल आर डेल बी अपॉन डेल एस ये लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर दूसरे को लिखना चाहें हम तो इसको लिख सकते हैं डेल, ये हो गया हमारे पास आर एस डेल एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई वाई डेल एस अपॉन डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल वाई। तो फ्रेंड्स ये जैकोबियन फॉर्म में लिख दिया, बट हमें चाहिए क्या, इसका मल्टीप्लाई चाहिए इससे, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल यू वी अपॉन डेल आर एस, तो ये है मतलब प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ये हो गया हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल एस अपॉन डेल एक्स और डेल एस अपॉन डेल वाई, तो ये हो गया हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल डेल यू अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल एक्स, ये फर्स्ट टर्म आ चुके हैं। जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हुए हमारे पास डेल यू डेल आर डॉट डेल आर डेल वाई प्लस डेल यू डेल एस डॉट डेल, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एस डेल एक्स। अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, तो ये हो जाएगा डेल बी डेल आर डेल आर डेल एक्स प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल बी डेल एस डॉट डेल एस डेल एक्स, और इस जो सेकंड कॉलम आएगा हमारे पास सेकंड जो टर्म आएगी यहां पे आएगी इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल बी अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल एस अपॉन सॉरी डेल बी अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल वाई, ये टर्म हमारे पास आ चुकी है फ्रेंड्स। बट हमें चाहिए क्या, ये टर्म क्या है, अगर इस टर्म को हम ध्यान से देखें तो अगर फिर से हम इसको ध्यान से देखें, हम हमारे पास u डेल u अपॉन
डेल एक्स निकालना हो, हमें सपोज डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन, क्योंकि यू जो फंक्शन है वो आर का फंक्शन है फ्रेंड्स, तो पहले डेल आर करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद जो आर है उसका हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ये यार हमने जो उसमें पढ़ा था इस तरह से पढ़ा था, बट चूंकि ये जो है हमारे पास पार्शियल और नॉर्मल में हम ले सकते हैं, क्योंकि आर जो है केवल एक्स का फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो उस तरह से हम ले सकते हैं इसको, डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस, और ये हो गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एस, फिर उसके बाद डेल एस अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या हमने इस तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल वाई, या फिर और बाकी के दो टर्म और रह गई हमारे पास, अगर हमें लिखना हो डेल, यहां से लिख देता हूं मैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखना हो तो डेल वी अपॉन डेल एस सॉरी आर पहले डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल एस डॉट डेल एस अपॉन डेल बी। इसी तरह से अगर डेल बी अपॉन डेल वाई लिखना है तो पहले डेल बी का करेंगे डेल एस से करस्पॉन्डिंग, उसके बाद डेल एस करेंगे डेल वाई की करस्पॉन्डिंग प्लस डेल बी अपॉन डेल आर, या पहले आर की करस्पॉन्डिंग करना होगा फ्रेंड्स, डेल यहाँ एस प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। तो अगर इनको इन टर्म्स को देखें तो ये वाली टर्म हमारे पास यहां मिल रही है, ये वाली टर्म यहां पर मिल रही है, ये वाली टर्म यहां मिल रही है, और ये वाली टर्म यहां मिल रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई। तो ये जो टर्म है ये हमारे पास गया हमारे पास जे यू बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो डेल यू अपॉन डेल, या इसको हम जे ऑफ यू बी भी बोल सकते हैं, यू बी का जे को भी इस तरह से हमने निकाल दिया है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको क्लियर कर पाएंगे कि किस तरह से जैकोबियन निकालते हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल है हमारे पास इफ आर बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा बराबर दिया हुआ है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो उस कंडीशन में हमें इवैल्यूएट करना है वो है डेल ऑफ आर थीटा अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई, यानी आर और थीटा का जैकोबियन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, यानी हमें क्या निकालना है इसको हम लिखे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई सॉरी डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है हमें, ये हमें निकालना है किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले निकालते हैं डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव निकालते हैं डेल एल अपॉन डेल आर अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स आएंगे, तो पहले तो इसका करना होगा इस टर्म का, तो ये है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, और इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, जब ये 1/2 आगे आएगा तो ये हमारे पास 1/2 आगे आ गया, इसकी पावर हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
की पावर 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, तो 1/2 माइनस 1 के लिए हमारे पास डी ओवर डी एक्स एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया है एन एक्स एन माइनस 1, तो ये लगा दिया हमारे पास। तो इसको उसके बाद क्या करना है हमें, इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है। तो अंदर वाली टर्म के लिए y जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो 2x इसका आ जाएगा, x स्क्वायर करना है ओनली, तो ये 2x आ गया। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन, और 2x आ गया तो 2x से 2 कट गया, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि ये माइनस 1/2 को नीचे ले गए हम, ये हो गए हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब निकालना है हमें डेल आर अपॉन डेल वाई, तो फिर सिमिलरली इसी तरह से निकालेंगे। तो चूंकि इस फंक्शन में एक्स की जगह वाई पुट करें तो वाई की जगह एक्स पुट करें तो कोई चेंज नहीं आता इस फंक्शन में, तो यहां से हम सिंपली जो सॉल्यूशन है उसमें एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे और वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास डेल आर अपॉन डेल वाई जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 एक्स की जगह वाई पुट किया तो 2 वाई, इसी तरह यहाँ पे एक्स की जगह वाई पुट किया तो वाई और वाई की जगह एक्स पुट किया, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे अगर ये करके वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये 2 नहीं है फ्रेंड्स, 2 से 2 कट गया था यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें करेंगे हम थीटा वाले में, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स करेंगे तो टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का होता है हमारे पास डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर टेन इनवर्स एक्स का निकाल रहे हो तो। अब चूंकि टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का निकाल रहे हैं तो हमारे पास यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तो हमें इसका भी अभी इसका भी निकालना होगा डेल अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन एक्स, तो ये निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका निकाला तो ये वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स, तो माइनस 12 आएगा आगे आएगा, और एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमने ये वैल्यू पुट की, अब फिर ये माइनस साइन तो आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, बट सिमिलरली नहीं लिख सकते, मैंने यहां पे सिमिलरली डायरेक्टली कर दिया था, इसमें मैंने जैसे डायरेक्टली कर दिया था इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते हम कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई सिमिलरली लिख देंगे, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इसमें हम एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स पुट कर दें तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए हमें दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो टेन इनवर्स का तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका करना है हमें इस वाली टर्म का, तो डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स पे कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई का करना होगा तो वाई का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। अब फिर ये एक्स जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, बट एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास फाइनली एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आ गया, अब हमें ये वैल्यूज जो सारी वैल्यू निकाली है डेल आर अपॉन डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई डेल थीटा अपॉन डेल एक्स डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। तो अब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स वैल्यू ये थी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये थी तो ये वही वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और ये वैल्यू हमारे पास थी
डेल थीटा अपॉन डेल एक्स वैल्यू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू जो है डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू है यहां से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2x2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंपली निकाला जा सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर यहां पे 1/2 और यहां पे 1 है तो ये 3/2 हो गई पावर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये हो गए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। बट फ्रेंड्स हमने एक मिस्टेक किया इसमें, जो मिस्टेक की थी वो थी हमारे पास डेल थीटा को डेल एक्स हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो इसमें जो नीचे साइन आया था जब हम एक्स कर रहे थे तो माइनस का साइन आया था तो वो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस साइन का जब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 तो यहां से ये पावर ऐसी कट जाएगी तो ये हो जाए 1/√(x²+y²) जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ करना था निकालना था तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आया हमारे पास इसका जो जैकोबियन है जैकोबियन किस में गए आर और थीटा का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई ये आया 1/√(x²+y²। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो हम उसे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी करना है, कॉल नहीं करना है 9460689761 या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है hitesh@gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, यहाँ मुझे मेल पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो, आपको क्या जानना है। थैंक यू फ्रेंड्स। What was that?